أين أنت؟ أنا في المدرسة. أنا في المدرسة. أين تريد الذهاب؟ ما شاء الله. أي يوم من هذا؟ اليوم متى الصلاة؟ حان وقت الصلاة. ماذا تشرب؟ تشرب أشرب. अब ये है कि आपकी नई मुलाकात किसी से भी होती है तो सबसे पहले नाम पूछते हैं, फिर कहाँ से हो, फिर ये है कि अभी आप कहाँ पे हो, जब पहुँच जाते हैं कि कहाँ से आए हो, बिना ही नाम था या कहाँ थे आप, अभी आप कहाँ पे हो, फिर ये है कि फिर आज इसके बाद आपका कहाँ जाने का इरादा है। जब बातचीत सारी आ जाती है तो फिर किस पे आते हैं कि क्या खाएँगे और क्या पिएंगे। बिना पहले हो गया वह मादा ताको, मादा का क्या था क्या क्या, और तशरबु का क्या था पीना, और मैं ये पीता हूँ का क्या था अशरबु, अशरबुल मा, सारी वो अल कलिमातुल जदीदा उसमें आ जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि मादा ताकुलू, आप क्या खाएंगे, इसमें वो सारी चीज़ें हैं कि अभी आप क्या खा रहे हो, वो खा रहा है तो उस वक्त मौके के ऊपर हम कहते हैं मादा ताकुलू, आप क्या खा रहे हो, आ गए हैं तो मादा ताकुलू, आप उससे पूछते हैं वो क्या खाओगे, तो उसमें भी आ जाता है, यानी हाल भी आता है और मुस्तकबिल भी इसमें, फ्यूचर भी इसमें आ जाता है। और उसी में ही है आप गुरु, थोड़ा सा हमने एक जुमला हमने सीखना है, उसके बाद आपने सारा ही अपना बताना है कि मैं ये खाना चाहता हूँ और मैं ये खाना चाहता हूँ। उसमें ये है कि आप कहते हैं कि मादा ताकुलू, आप क्या खाएंगे, आप गुरु के बाद जितनी भी चीज़ें हैं आप अपनी जुबान में भी लगा सकते हैं, और हादा तो कह सकते हैं ना, आप गुरु हादा, उसके ऊपर हाथ रख दें, और ये है कि हादा ना भी हो तो उसको पकड़ ले, आप बोलो आप बोलो, मैं यही होता है, मतलब कि थोड़ी बहुत आती होगी तो काम चल जाएगा। जैसे ये है कि नमाज के तर्जमे से ही आपका बहुत सारा काम चल जाएगा, उम्रे पे एक बंदा चला गया, अब ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते कि उसने अदमी से अरबी कोर्स किया हुआ, थोड़ी बहुत उसको नमाज का तर्जमा आता, चलो यूँ कह लेते जवाब में वक्त लगा हुआ था, तर्जमा उसने जवाब से सीख लिया। अब ये है कि भूल गया रास्ता, समझ रहा है कि क्या करूं, अब कार्ड अरबी को दिखाया और कहा इह दिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा, कार्ड भी दिखाया इह दिनस सिरातल मुस्तकीम, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आता होगा तो काम चलेगा, लेकिन काम चलेगा तो वैसे भी चल जाता है। हम जो ये चीजें सीख रहे हैं ये बुनियादी तौर पर फहम कुरान के लिए और तर्जमे के लिए, जैसे मैंने पहले किया कि जितने भी अल्फाज हैं जो हम आम बोल चाल के इस्तेमाल करते हैं ये कुरान अजीज में भी इस्तेमाल हुए हुए हैं। अब ये कि आप गुरु तक गुरु कुरान में जितना है कि गुरु अशबु खाओ और पियो उसी माने में से है, आप गुरु ताम मैं खाना खाऊंगा, खाना अल फुतूर ब्रेकफास्ट मैं नाश्ता, अल फुतूर अल गदा कहते हैं दोपहर का खाना, अल आशा कहते हैं रात का खाना, शायद यहाँ पर आपके उस पर लिखा हुआ भी हो, जिनको जो पसंद है उन्होंने देख लिया, गोश्त करने से ज्यादा गोश्त करने ज्यादा लिखते हैं अंदाजे की कैंटीन में ये ज्यादा मिलते हैं। ठीक है भाई साहब, आप लोग तो आम अल फुतूर कहते हैं नाश्ते को, अल गदा कहते हैं दोपहर का खाना, और अल आशा जबर के साथ कहते हैं रात का खाना, और जो जेर के साथ अल इशा है उसको कहते हैं रात की नमाज है इशा। आप कह सकते हैं अल आशा बादल इशा कबल अल इशा, तो कबल अल इशा यानी रात का खाना इशा से पहले है, रात का खाना इशा के बाद में है, लेकिन ये है कि हम पंजाबी में उर्दू में इशा को हमेशा रात आशा ही कहते हैं, आशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ जी। आप बोलो खुब्ज, खुब्ज कहते हैं रोटी को, आप बोलो लहम, आप बोलो आदस दाल, दाल उसमें ये है कि कोई भी आप खुदरावात
आप उसमें सब्जी में आ जाए। बरीजा कहते हैं अंडे को, मतलब ये है कि आखरों के बाद आप क्या कहते हैं खुद से ढूंढ लें, हमसे भी पूछ सकते हैं। चंद जुमले जो है जो खाने की चीजें हैं वो हम ताम के अंदर सारी चीजें आ जाती है। ये आप में से कौन खड़ा होगा? कौन को अरबी में क्या कहते हैं? मानक। अच्छा, ये को अरबी में क्या कहते हैं? और तो अरबी में क्या कहते हैं? ठीक हो गया, माशाल्लाह, अल्लाह।